से मैं नाजिम शेख आपके लिए लेकर आया हूं खबरों का एक खास सिलसिला। महाराष्ट्र राज्य के हर कोने की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप भी दिखाना चाहते हो अपने इलाके की कोई खबर तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 मई के बाद भी जारी रह सकता है लॉकडाउन। मुंबई के साथ विदर्भ में भी बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को आदेश, प्रवासी मजदूरों से ना लिया जाए कोई किराया। भंडारा जिला में नुकसान करने के बाद टिड्डी दल पहुंचा मेलघाट में, किसान हो रहे काफी परेशान। नागपुर के मेडिकल कॉलेज में हुई शवों की अदला बदली, कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। नागपुर के अजनी में कोरोना की एंट्री, 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मद्रास चैरिटेबल ट्रस्ट नागपुर का उपक्रम, 2 माह से जरूरतमंदों को हर रोज खिलाया जा रहा है खाना। नरखेड़ में कपास बिक्री केंद्र पर लगी भीषण आग, काफी माल का हुआ नुकसान। मुर्तिजापुर में प्रतिबंधित क्षेत्र में पुलिस द्वारा लगाए गए बांबू को निकाल कर फेंक रही है जनता। राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से रामटेक थाना व उप जिला अस्पताल में वितरित किए गए मास्क। बल्लारपुर में 340 बोरी चावल जब्त, अनाज भंडारण करने वालों पर की गई सख्त कार्रवाई।